एंड वेलकम टू केटी बीस किचन। आज हम बनाएंगे साबुदाना के वड़े। साबुदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए साबुदाने। यहाँ पे मैंने साबुदाने को फुल पतीला भर के पानी में भिगो के रख दिया था। उसको फुल पानी में भिगो दीजिए 30 मिनट के लिए। आप उसको छोड़ दीजिए 30 मिनट के बाद, वो काफ़ी फूल चुके होंगे। उसके बाद सारा पानी निकाल दीजिए और उसे ढककर करीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आपके साबुदाने बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे। और हमें चाहिए बॉयल मैश पटेटोस, ग्रीन चिलीज़, यहाँ पे मैंने 3 से 4 स्पाइसी वाली ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और चाहिए तिल। फिर हमें चाहिए क्रश किए हुए पीनट्स, शेंगदाने, क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, हरा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम। अगर आपका फास्ट हो तो आप गरम मसाला मत डालिए। और हमें चाहिए लेमन जूस और शुगर और सॉल्ट। अभी हम साबुदाना वड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम एक साबुदाना ले लेंगे एक बोल में। उसमें हम डाल रहे हैं मैश किए हुए पटेटोज़। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के पटेटोज़ को बॉईल करके मैश कर लिया है। उसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है एक बार। अभी हम उसमें स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज़ और जिंजर का पेस्ट। यहाँ पे मैं करीबन 2 चम्मच डाल रही हूँ। उसके हम बाद डालेंगे तिल, यानी कि सेसमे सीड्स। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 2 बड़े चम्मच सेसमे सीड्स। और हम डालेंगे क्रश किए हुए पीनट्स। यहाँ पे मैं जीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर डाल रही हूँ करीबन 1/2 टेबल स्पून। हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, वो मैं डालूँगी करीबन 1/4 टेबल स्पून। और मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला। ये ऑप्शनल है। अगर आपका फास्ट हो, आप फास्ट के लिए बना रहे हो, तो गरम मसाला मत डालिए। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, मैं रेगुलर सॉल्ट डाल रही हूँ। फास्ट हो तो आप सिंधव नमक डालें। और यहाँ पे मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून लेमन जूस और थोड़ी सी शुगर। और लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ता। अभी हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं उसको हाथ से मैश करूँगी। उसको अच्छे से मैश कीजिए ताकि उसका बॉल जैसा बन सके। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाने के बाद आप उसका थोड़ा टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको पता चलेगा उसमें सॉल्ट या कुछ भी अगर आपको डालना हो तो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर ऑल डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा सा लेमन जूस फिर से डाल रही हूँ और नमक। फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देख रहे हो, अभी अच्छे से बॉल बन सकते हैं। तो हमारा ये मिक्सचर बन के अभी रेडी है। तो अभी हम साबुदाना के वड़े बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास मिक्सचर रेडी है और हमारे पास है कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा तेल। हम एक प्लेट ले लेंगे पहले। उसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे मैं सिर्फ कोटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका फास्ट हो तो कॉर्नफ्लोर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप उसे स्किप कर दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा पोर्शन लूँगी मिक्सचर का। पहले हाथ में तेल लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेके उसके बॉल बनाइए।
इस तरह से प्रेस करके आप थोड़ा बॉल के शेप में बना दीजिए और उसके बाद उसको फ्लैट कर दीजिए, ऐसे प्रेस करके उसको फ्लैट कर दीजिए। सो इसी तरह से हम सारे वड़े बनाएंगे। अगर आप चाहे तो आप बॉल के शेप में भी रख सकते हो। सो इसी तरह से हम सारे साबूदाना के वड़े पहले प्रिपेयर कर लेंगे। सो आप देख सकते हो मैंने सारे वड़े बना के रेडी रखे हैं। सो अभी हम उसको कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। सो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, हम क्या करेंगे सभी वड़े पे कॉर्नफ्लोर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। हमको दोनों साइड से उसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से सिर्फ कोट करना है, बहुत ज़्यादा मत डालिए। कॉर्नफ्लोर का यूज़ करने से हमारे वड़े क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ऐसे सभी साइड्स पे हल्का हल्का कॉर्नफ्लोर लगाकर उसको कोट कर दीजिए दोनों साइड से। तो आप देख सकते हो अभी हमारे सारे वड़े मैंने कॉर्नफ्लोर से कोट कर दिए हैं। सो अभी हम वड़े तलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गरम तेल रेडी है, अभी हम उसमें वड़े को एक एक करके डालेंगे। जब भी आप वड़ा डाल रहे हो तेल में, आपका तेल एकदम गरम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे होना चाहिए। सभी वड़े डालने के बाद आप उसको मीडियम फ्लेम पर पकाइए। सो अभी हमारा फ्लेम हाई पर है। सो अभी ये मैंने वड़े डाल दिए, अभी मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और उसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। सो आप देख सकते हो हमारे वड़े पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी अच्छे से बन चुके हैं। अभी हम उसको निकाल देंगे। अभी इसी तरह से हम दूसरे वड़े फ्राई करेंगे। डालते वक्त आप याद रखें आपकी फ्लेम हाई होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको मीडियम फ्लेम पर पकाइए। उसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हो गए हैं, अभी हम उसको निकाल लेंगे। ये बन के रेडी है, उसको मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको ग्रीन चटनी या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ज़रूर ट्राई कीजिए एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक दिस रेसिपी। दिस रेसिपी प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सोन विद द नेक्स्ट ग्रेट रेसिपी। बाय बाय।